मऊ में हुए हंगामे के पांचवें दिन भी माहौल गर्म, सभी जगहों पर रखी जा रही है कड़ी निगरानी। मऊ में कई जिलों की पुलिस फोर्स तैनात की गई है, तो पांचवें दिन भी माहौल जो है वो गर्माता हुआ मऊ के अंदर। तो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने मीटिंग की, कई मौलवी और बड़े मुस्लिम नेताओं के साथ शांति कमेटी की मीटिंग की हुई है। तो मीटिंग के बाद मौलानाओं ने जारी किया शांति अपील, लिखा हुआ पत्र। मौलानाओं ने नमाज के पद अपने घरों में जाने की अपील की है। जिला मुख्यालयों पर डीएम एसपी समेत जिले के सभी अधिकारी मीटिंग में शामिल हुए हैं। तो मीटिंग के बाद मौलानाओं ने एक शांति अपील पत्र जारी किया गया है। मौलानाओं ने नमाज के बाद अपने घरों में जाने की अपील लोगों से। कौन लोग थे, मुट्ठी भर लोग थे, पूरे मिसाइल के अहमद पार्टी को खराब। कहाँ बाहर से आए हुए हैं या अब कुछ नहीं कहा जा सकता, ये जांच का विषय, जांच प्रशासन कर रहा है, बिल्कुल वो सामने आ गए। आज क्या तय हुआ है? आज यही हुआ है कि हम सब मिलकर के शांति अमन कर रहे हैं। ये ताना बाना का शहर है, यहाँ कहीं कोई नफरत की दीवार नहीं खड़ी करेंगे। कल से दुकान दौरी खोल के अपना काम धाम करेंगे। आज चौथे दिन जो है एक बार फिर हो गया हुआ है और लाठीचार्ज हुआ है, आपको क्या कर रहा है? आज देखिए गलत फहमियाँ इस शहर में बहुत हो जा रही है। जैसे अरशद जमाल के घर पुलिस बहुत ज़्यादा थी मच रही थी, अफवाह ये हो गया कि उनको अब पुलिस ने घेर लिया है और फिर उनको पुलिस ले आई इधर उनके प्रोग्राम में पत्रक देने के लिए। तो गलत फहमियाँ हो जा रही हैं ना, तो वही ऐलान हो जाता है कि प्रोग्राम इन लोगों का कैंसिल हो गया, वाम पत्थियों का और समाजवादी पार्टियों का, तो शायद कोई नहीं आता। तो उसमें ये हुआ कि कहीं ना कहीं से प्रशासन और नगर के जो जिम्मेदार लोग हैं उसमें कम्युनिकेशन गैप है, तो उसी गैप को भरने के लिए आज मीटिंग। अच्छा, तो सही दिशा में प्रशासन को जाना चाहिए कि कौन लोग हैं जो जिनकी बातों का एक मैसेज जाता है। तो जब भी कोई तनावपूर्ण माहौल होता था पहले, तो हमेशा इस तरह की मीटिंगें हुआ करती थी सभी वर्गों की, मगर इस बार चार दिन हो गया और आज तक कोई मीटिंगें बुलाने की जरूरत नहीं महसूस किया। आज पहले दिन तीन मीटिंग हमसे बात किया।